राजस्थान रॉयल्स को आखिरी ओवर में 19 रनों की जरूरत होती है, लेकिन यकीन मानिए दोस्तों, क्या रोमांचक मुकाबला देखने को मिला राजस्थान रॉयल्स और लखनऊ सुपर जायंट्स के बीच, जहां अंतिम ओवर के अंतिम गेंद तक किसी को नहीं पता चल पा रहा था कि कौन सी टीम जीतेगी और कौन सी टीम हारेगी। आपको बता दूं, लखनऊ सुपर जायंट्स पहले बल्लेबाजी करते हुए कायल मेयर्स के शानदार अर्धशतक और कप्तान केएल राहुल के 39 रनों की बदौलत 154 रन बनाने में कामयाब रहती है। ये लक्ष्य किसी भी टीम के किसी भी पिच पर चेजेबल हो सकता है, लेकिन रोमांच इसी का है दोस्तों। आईपीएल 2023 चल रहा है, दिन प्रतिदिन रोमांचक मुकाबले देखने को मिल रहे हैं। लखनऊ सुपर जायंट्स ने 155 रनों का लक्ष्य दिया राजस्थान रॉयल्स को। लक्ष्य का पीछा करने उतरी राजस्थान रॉयल्स की शुरुआत बेहतरीन रहती है। पहले विकेट के रूप में जायसवाल और जॉस बटलर 87 रनों की पार्टनरशिप करने में कामयाब रहते हैं, लेकिन 104 रन पर 4 विकेट यानी 17 रन के भीतर 4 विकेट गंवाने में एक तरीके से गंवा देती है लखनऊ के खिलाफ और एक तरीके से मुसीबतों में गिरती हुई नजर आती है। संजू सैमसन 2 रन पे आउट हो जाते हैं, देवदत्त पडिकल 26 रन, लेकिन रियान पराग अंतिम के ओवरों में जरूर चौका छक्का जड़ते हैं, लेकिन अंतिम ओवर में जरूरत होती है 19 रन की। पहली गेंद पर चौका भी आ जाता है रियान पराग के बल्ले से, लेकिन ये लक्ष्य दूर रह जाता है एक तरीके से। 4 साल बाद अपने घर पर मुकाबला खेलते हुए नजर आ रही थी राजस्थान की टीम और आखिरी में 10 रन से मुकाबला गंवा देती है।